हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का संकल लैंड के एक और नए एपिसोड में। संकल लैंड के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने म्यूटेंट आइलैंड, उसके बाद रेडियो आइलैंड जो था, उन दोनों आइलैंड पे रेड मारी। और एक मिनट रुक जाओ गाइज, यहाँ पे मैंने जो भी वेजिटेबल्स डाले थे, मतलब वेजिटेबल्स नहीं, जो भी सीड्स डाले थे, स्ट्रॉबेरी की, कॉटन की, और एक डाली थी ग्रास की सीड, वो सारी सीड यहाँ पे उग चुकी है। शायद से मैं अभी इन लोग को हार्वेस्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पूरी तरीके से उगी नहीं है, बट गाइज अभी हम लोग को काफी सारी जो है ना गाइज स्ट्रॉबेरीज वगैरह मिलने वाली है। यार ऊपर से नीचे गिर गया मैं। वैसे आज का जो एपिसोड है ना हमारा, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना कि सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आप लोग को और सर्वाइवल गेम्स की वीडियो देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद आनी के चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो। सो चलो गाइस, आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और आज ना हम लोग को काफी सारी अलग अलग चीजें जो है ना गाइस वो करनी है। लाइक मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ पे जो हमारा वर्क बेंच था, इसको कर लिया था अपग्रेड। अभी इसको अपग्रेड करने के बाद सबसे पहले तो मैंने चीजें जो है ना गाइस जो अनलॉक करी थी वो थी यहाँ पे। रुक जाओ यार, मैंने क्या चीज अनलॉक करी थी, मैंने कुछ तो चीज अनलॉक करी थी, गन वर्क बेंच। और एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे गन वर्क बेंच भी आ चुके हैं। फर्नेस बनाया था मैंने भाई, ठीक है। अभी फर्नेस जो ना गाइस मुझे अगर बनाना है, फर्नेस के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेटल इनगट और वगैरह में लेके नहीं आया था गाइज, ये वाले चार को ले। ये तो और कहाँ पे भाई हमारे ये वाले ओर, देख रहे हो, आयरन ओर्स वगैरह, इन ओर्स को जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे पिघला सकते हैं और इनकी मदद से बड़े आराम से जो है ना गाइस हम लोग आगे की कुछ चीजें जो है ना गाइस वो बना सकते हैं। सो इसलिए मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले फर्नेस बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा खाना पीना खा लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देता हूँ मैं। पानी पीने की जरूरत तो है यार, पानी पीने की जरूरत तो है। रुको, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ एंड एक काम करता हूँ, इसे स्टैमिना वाला गाइस जो अपना जूस था, हाँ ये बन जाएगा ना स्टैमिना हर्बल मिक्स, इससे हमारा स्टैमिना जो है गाइस वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। सो ये बना के मैं लेके जाऊँगा। अभी मुझे फिलहाल के लिए वुड चाहिए फर्नेस बनाने के लिए। क्या मेरे पास वुड अवेलेबल है? और मेरा घर जो है ना गाइस वो भी मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। लकीली गाइस मेरे पास काफ़ी सारा वुड यहाँ पे पड़ा हुआ है। वेट अ मिनट, ओ मैं ये हर्बल मिक्स भी काफ़ी बना सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी पड़ी है, ठीक है। मैं गाइस सोच रहा हूँ कि मैं इसके एक लाइव स्ट्रीम कर दूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है गाइस वो इकट्ठा करने हैं। आप बताना गाइस मुझे लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए कि नहीं। बाकी मुझे रबर चाहिए होगा फर्नेस बनाने के लिए, ठीक है। रुको, मैं रबर का जुगाड़ तो यहाँ से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा रबर, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं हमारा फर्नेस, जो कि मैं यहीं पर लगाना चाहूँगा, यही पे लगाता हूँ मेरा फर्नेस, या फर्नेस मैं इस कोने में लगा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक वर्क बेंच लगानी है मुझे गन वाली। इस फर्नेस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इसके अंदर मुझे वुड डालना है, ठीक है। रुको, एड वुड, ठीक है, वुड डाल के हो चुका है। और यहाँ पे अभी मैं आयरन पिघलाने के लिए डाल देता हूँ। मेरे पास आयरन के ओर्स जो है ना गाइस वो काफ़ी बड़े, प्लस कॉपर के ओर्स भी पड़े हुए हैं, बट मैं पहले आयरन डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लेस, ओ डायरेक्टली 23 के, ओ नहीं, एक एक ही डाल सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर? ओके, और स्मेल्टिंग प्लीज वेट। अरे यार ये तो गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ऐसे एक एक और जो है ना गाइस वो स्मेल्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन चलो कोई ना, जब तक वो स्मेल्ट हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। मुझे खाने के लिए क्रैब मिला है, रुको, क्रैब अपना कुक हो चुका है, उसको खा जाता हूँ मैं। एंड तब तक ना मैं क्या करता हूँ बताए, एक गन वर्क बेंच गाइस मेरे इन्वेंट्री में मुझे दिख रही थी, ये वाली, इसको बनाने के लिए मुझे ना, ओ मुझे इसको बनाने के लिए तो आयरन इनगट चाहिए होंगे, वही बनाने के लिए डाले मैंने। ये हो गया है, आई थिंक से दो से एक बन रहा है क्या, शायद से दो ना, आयरन और से एक इनगट हमारा बन रहा है, ठीक है बनने दो। चलो सो गन वर्क बेंच बनाने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए हमको? अरे यार कॉम्पोनेंट हमारे पास कम पड़ जाएंगे, स्क्रैप मेटल तो काफी ज्यादा है बट कॉम्पोनेंट जो है वो हमारे पास नहीं है। बैटरी चार्जर, बैटरीज ही नहीं अपने पास, वो बैटरी चार्जर का क्या करूँगा मैं? रुको मैं देखता हूँ, मेरे पास कंपोनेंट शायद से नहीं है, होंगे तो एक दो ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। मुझे थोड़ा सा ना
अभी जाना पड़ेगा। यस मुझे जाना पड़ेगा गाइज, कंपोनेंट जीरो है मेरे पास, एक भी बचा नहीं है। सो मुझे कंपोनेंट जो है ना गाइज वो लाने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। और रुक जाओ, मैं यहाँ से पहले आयरन ओर जो है ना गाइज वो इकट्ठा कर लेता हूँ। गन वर्क बेंच बनाने के लिए मुझे चार ओर चाहिए बराबर। मैं चार ओर सबसे पहले यहाँ पे पिघला देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉम्पोनेंट ढूंढने के लिए। कॉम्पोनेंट जो है ना गाइज वो शायद से गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको कहाँ से मिलते हैं कॉम्पोनेंट? गाड़ियों से ही मिलते हैं ना शायद से। मुझे कॉम्पोनेंट 10 चाहिए होंगे गन वर्क बेंच के लिए। रुको और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे अनलॉक करने वाला था, एक मिनट गाइज। मुझे ना कॉम्पोनेंट से सबसे पहले स्मॉल एयर टैंक और बैकपैक, ये दो चीज़ों की रिसर्च करनी है। ठीक है, गन्स वगैरह अपनी बनते रहेगी, बट मुझे अगर पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक सांस लेना है तो मुझे स्मॉल एयर टैंक चाहिए होगा, बैकपैक चाहिए होगी, उसके बाद मुझे चाहिए होगा, रुको मैं बताता हूँ, एयर फिलिंग स्टेशन, ये चीज़ चाहिए होगी मुझे। एयर फिलिंग स्टेशन जो है गाइज वो भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ, रुको फटाफट से, रुक जाओ गाइज, मुझे पहले ये चीज़ बना लेनी, एयर फिलिंग स्टेशन। रुको, इससे क्या होगा, हम लोग जो है ना पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक सांस भी ले पाएंगे, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना गाइज वो पानी के अंदर से लेके भी आ पाएंगे। रुक जाओ, मैं पहले तो ये चीज़ें अनलॉक कर लेता हूँ, एयर फिलिंग स्टेशन बराबर, ये अनलॉक हो चुका है। ये अनलॉक करने के लिए मेरे पास कंपोनेंट नहीं है, इसके लिए क्लोथ, शार्क स्किन, व्हाट ड्यूड, बैकपैक के लिए मुझे शार्क स्किन चाहिए। मेरे पास कोई वेपन नहीं है जो मैं शार्क को मारने के लिए यूज कर सकूं गाइज, ये बोल रहे शार्क हंटिंग कर लो जाके। थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। चलो गाइज एक शार्क को मारने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। हम लोग अभी तक एक भी बार गाइज वैसे इस गेम में मरे नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ शार्क को मारने की। क्रॉसबो जो ना गाइज वो पानी के अंदर हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमारे पास इकलौता एक जरिया है शार्क को मारने का, है चाकू। ठीक है, देखते चलो क्या होता है, मैं चल के शार्क को ढूंढता हूँ। म्यूजिक क्यों बज रही है, अभी दिन में भी रेड होगी क्या, व्हाट ड्यूड, हाउ यार, अभी तो दिन में भी रेड होना चालू हो चुकी है। अबे नहीं यार भाई, मेरे घर पे हमला नहीं करना, घर पे नहीं जाने का गोलू बेटा भाई, एक दो में ओए ओए ओए, पप्पा का घर है तेरे, पप्पा का घर है भाई, दिन में भी रेड्स होना चालू हो चुकी है, ये मॉन्स्टर दिन में भी रेड कर रहे हैं। मुझे ना सिक्योरिटी का भी सीन भाई देखना पड़ेगा थोड़ा, रुक जाओ इसके पास भाई, यार ये हमेशा वाटर का जो है ना गाइस एक मग्गा लेके जरूर आता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है रुक जाओ, मैं पूरी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है, मुझे स्ट्रॉबेरी वगैरह की भी जरूरत नहीं है भाई। व्हाट, और आ रहे गाइस, और लोग आ रहे गाइस, मैन मुझे घर की सिक्योरिटी का कुछ तो सीन देखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं बची है, सोलो है शायद से, अबे एम भी नहीं लग रहा है एक तो इसको, बाय 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 बाय, अरे एरोस खत्म हो गई मेरी, चक्कू से मारना पड़ेगा। ब्लीडिंग ना दे, ब्लीडिंग ना दे, ब्लीडिंग दे देगा ये, संभल के, ओके बस खत्म 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 भाई, हमले पे हमला हुए जा रहा है यार हमारे बेस के ऊपर, क्या बोले, एरोस खत्म हो चुकी है, ये ले 20 एरो ले लेता हूँ। ऊपर गाइस आई थिंक से जो हम लोग ने प्लांट लगाए थे, हाँ उनमें चीज़ें तो उग चुकी है शायद से, रुको ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गाइस हमारा फार्म काफ़ी कूल लग रहा है। चलो मैं फटाफट से जो ना गाइस पानी के अंदर जाता हूँ एंड वहाँ से एक शार्क को मार के शार्क की स्किन लेके आता हूँ। मेरे पास बस ये चाकू ही है और कुछ भी नहीं है गाइस, इसी की मदद से जो भी करना है मुझे करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, ठीक है रुको इसको पुश करना पड़ेगा पहली बात तो, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रुको ड्राइव, ओके शार्क्स, शिप ब्रेक कहाँ पे, मैंने वहाँ पे एक हैमर रेट देखी थी, शिप ब्रेक ये वाली ना, यहाँ पे शिप ब्रेक है, मैंने एक हैमर रेट तो देखी थी पानी में, बट हैमर रेट से पंगा लेने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं नॉर्मल शार्क से पंगा ले लूँ गाइस। हैमर रेट जो है ना गाइस वो थोड़ी सी, ओ ये रही शार्क गाइस, मैं जा रहा हूँ खतरों का खिलाड़ी बनने के लिए, ओके ऑलराइट गाइस लेट्स गो लेट्स गो। चाकू से शार्क को, ओए अबे शार्क तो भाई नकली शार्क है, ऐसे चाकू से चप चप मारा सीधा पेटी बन गई उसकी, व्हाट इज दिस बिहेवियर बॉयज। शार्क स्किन मिल चुके लगे मुझे, क्या बड़े ट्रैंक को मैं वो कर सकता हूँ, नहीं स्कैवेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है रुको
मुझे ना स्क्रैप मेटल नहीं चाहिए यार, मुझे वो कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं ना वो चाहिए होंगे। वो शायद से मुझे जो ना गाइस गाड़ियों वगैरह को जो ना गाइस यहाँ पे वो करने से मिल जाएंगे शायद से। अगर मैं हार्वेस्ट करूंगा कार्स वगैरह को तो उससे मिल जाएंगे। शार्क स्किन गाइस इजीली मिल गई, और शार्क को मारना तो भाई बच्चों का खेलता यार, कुछ खास करना भी नहीं पड़ा मुझे। चलो अब एक काम करते हैं, देखो अभी हमारे पास ना ड्राइव कर लूँ मैं पहले, ठीक है। अरे ड्राइव ड्राइव ड्राइव, मुझे चाहिए कंपोनेंट। एक मिनट रुक जाओ, क्या ये लड़की मुझे कंपोनेंट्स दे रही है? अगर ये मुझे कंपोनेंट्स दे रही है तो मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ ना ट्रेडर से गाइज, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। मैं ट्रेडर से खरीदने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये कितना सामान क्या मांग रही है। मेरे पास वैसे फालतू के कपड़े कुछ पड़े हुए, उसके बदले अगर ये मुझे ट्रेड करके दे देती है कंपोनेंट्स तो अच्छा रहेगा। पहले चेक करता हूँ कि इसके पास कंपोनेंट है भी या नहीं। नहीं है यार, इसके पास बैटरीज है, कंपोनेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मेडिसिन से बस। मैन, ठीक है चलो कोई ना, नो प्रॉब्लम, मुझे कंपोनेंट्स खुद से ढूंढने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स गाइस मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको बताए कि कंपोनेंट्स जो है ना गाइस वो मुझे कहाँ से मिलेंगे सबसे ज़्यादा। भाई इसको तो बड़े बोट को भाई सीधा ऊपर ही चढ़ा दिया, इसको पानी में लेके चलता हूँ फुल। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं डिस्ट्रिक्ट 43 पे चलता हूँ, वहाँ से कंपोनेंट फार्म करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ओके डिस्ट्रिक्ट 43 ईयर भाई, डिस्ट्रिक्ट 43 मैंने 43 जो है गाइस मैंने 69% कंप्लीट कर लिए वैसे, ठीक है। रुक जाओ, अरे यार रिवर्स में चलो भाई, रिवर्स में चलो। चलो गाइस डिस्ट्रिक्ट 43 पे चलते हैं एंड वहाँ से ट्राई करते हैं कि कंपोनेंट हम लोग लेके आ पाए। कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 43? मैं गलत जा रहा हूँ थोड़ा, इस डायरेक्शन में कहीं पे ना, हाँ वो रहा, वो जो सामने खंभा देख रहे हो गाइस आप, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 43 है, वहाँ से हम लोग रिसोर्सेज लेके आने की ट्राई करते हैं। चलो ओके गाइस, शायद से हम लोग डिस्ट्रिक्ट 43 पे पहुँच चुके हैं। सीधा खंबे पे लैंडिंग कर दी है मैंने अपनी बोट। चलो अभी नीचे चलते हैं एंड कंपोनेंट्स मुझे लग रहा है कार से मिलेंगे, एक बार मैं कार पे भी ट्राई करता हूँ। पहले तो ये पेटी लूट लूँ, इस पेटी में काफ़ी सारा सामान मिल सकता है मुझे। नाइस, ओ इसमें 4 कंपोनेंट्स मिल गए हैं, ठीक है। मुझे एक बार देखना है कि गाड़ियों में से मिलते भी या नहीं, ठीक है। गाड़ी में से मिलने तो चाहिए मेरे हिसाब से। स्क्रैप मिल रहा है गाड़ी में से, हाँ गाड़ी में से मिल रहे, लेकिन एक एक कंपोनेंट मिल रहा है। सो मुझे ऐसी 10 गाड़ियाँ जो है गाइस वो ढूंढनी पड़ेगी अगर मुझे 10 कंपोनेंट चाहिए। ठीक है भाई, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। चलो कोई ना, जब तक गाइस मैं कंपोनेंट ढूंढ रहा हूँ तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा होगा तो। और यहाँ पे अगर कोई शार्क आई ना तो उससे डरने की कोई भी भाई जरूरत नहीं है, सीधा जाके उसको मार देंगे हम लोग, क्योंकि शार्क को मारना काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर हम लोग उसको पीछे से मारते तो, ठीक है। अगर आगे से मारने के लिए जाते हैं ना तो हम लोग को खा जाएगी। यहाँ पे वैसे मुझे गाड़ी भी दिखाई दे रही है और थोड़े से हर्ब्स भी दिखाई दे रहे हैं, मैं हर्ब्स उठा लेता हूँ। एंड गाड़ी में से पुलिस कार है लग रहा है मुझे तो, ये हाँ पुलिस कार है यार पक्का। ये क्या मिल रहा है, व्हाट ओए गाइस, मैं अभी पिस्टल जो है उसको चला सकता हूँ पुलिस की गाड़ी में से। मुझे पिस्टल की एमो जो है गाइस वो मिल चुकी है, मत जाने लाइफ गाइस। ये देखना भाई 10 पिस्टल के एमो मिल चुकी है, और मेरे पास आपको बताऊंगा घर पे एक पिस्टल पड़ी हुई है पहले से। भाई मजे ही मजे आ गए यार, लेट्स गो बॉयज। और गाड़ियां है क्या यहाँ पे? मुझे मेन जो है इस गाड़ियों को लूटने का काम करना है, इधर मुझे गाड़ियों को लूटना है। गाड़ियों में से कंपोनेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और मैक्सिमम ये वाला एरिया जो है वो मैं कल ही लूट चुका था। हाँ ये वाली बिल्डिंग भी लूट ली थी शायद से मैंने, ये भी लूट ली थी बिल्डिंग, ठीक है। देखता हूँ चलो कौन सी जगह लूटनी बाकी है और उसको लूट लेता हूँ। एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना अभी फुल फास्ट फॉरवर्ड मोड जो है ना गाइस वो ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सारी लूट लेता हूँ। आप लोग ना 1-2 मिनट स्किप कर सकते हो आगे अगर आपको ये फास्ट फॉरवर्ड देखना नहीं है तो, ठीक है। मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन करके फटाफट से सारी चीज़ें लूटता हूँ, लेट्स गो बॉयज। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the guys, यहाँ पे जितनी भी चीजें दिखाई दे रही थी वो सारी चीजें हम लोग भाई लूट चुके हैं।
मुझे लगा था काफी सारा टाइम लगेगा यहाँ पे लूट करने के लिए, बट सारी चीजें हम लोग लूट चुके हैं। यहाँ पे मुझे कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ियां वगैरह सब कुछ लूट चुका है, और यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स मुझे चाहिए थे उतने कंपोनेंट जो है जो मिले भी नहीं है। मुझे बस मिले यहाँ पे कंपोनेंट्स 5 और मुझे लगभग 20 कंपोनेंट्स तो कम से कम चाहिए होंगे। एक काम करता हूँ, अनलूटेड जगह कौन सी है, स्मॉल रॉक आइलैंड। स्मॉल रॉक आइलैंड जो है ये वाला स्मॉल रॉक आइलैंड है बराबर, क्या इसके नीचे है? ओ यहाँ पे है ना, रुको, स्मॉल रॉक आइलैंड जो है ना गाइस वहां पे मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां पे क्या क्या लूट मिलती है मुझे। यहाँ पे बोल रहे क्या, यहाँ पे कुछ चीजें तो दिख रही है। हाँ यहाँ पे भाई काफी सारे कंटेनर्स वगैरह पड़े हुए हैं, कंपोनेंट्स मिल रहे गाइस, यहाँ से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, सो ज्यादा कुछ ऑक्सीजन का सीन भी नहीं होगा। क्या मैं इनको कंटेनर्स के, ओही कंटेनर्स के अंदर लूट है भाई, लूट है, बस मुझे भाई कंपोनेंट्स मिल जाए यहाँ पे। मिल गए भाई कंपोनेंट्स 3 मिल गए, ब्लूप्रिंट भी मिल गए और थोड़े से कपड़े भी मिले लड़की वाले, जिनका यूज क्या है पता नहीं है। रुको ये वाले एरिया में ना मुझे काफी ज्यादा लूट मिल सकती है लग रहा है, 20 कंपोनेंट्स मिल गए ना तो मैं रिसर्च भी कर पाऊंगा और उन चीजों को क्राफ्ट भी कर पाऊंगा। म्यूटेंट्स को मार चुका हूं मैं, मुझे नहीं लग रहा भाई यहाँ पे म्यूटेंट्स होंगे बिल्कुल भी, मैं इनको मार चुका हूँ भाई म्यूटेंट्स को कब का। ठीक है स्क्रैप मेटल काफी ज्यादा मिल रहा है, कचरे के डब्बे में क्या मिलने वाला है वैसे यहाँ पे देखते चलो। ओ गिटार, ड्यूड गिटार वगैरह मिल गया मेरे को, काफी बढ़िया। क्या मैंने लूट लिया पूरा, क्या और लूटना बाकी है? 67% लूट के हो भी चुका है यार। क्या मैं इन कंटेनर्स को तोड़ सकता हूँ? नहीं ना, क्योंकि ये कंटेनर जो है ना कुछ कंटेनर्स यहाँ पे लॉक्ड है, सो इनको मे बी मैं हम लोग तोड़ वगैरह नहीं सकते। रुको मेरे पास जो सामान पड़ा हुआ है वो मैं यहाँ पे डाल दूँ। कंपोनेंट्स टोटल भाई 10 तो हो चुके हैं, मैं अनलॉक तो कर पाऊंगा उस चीज़ को। रबर्स, अबे यार रबर्स एक मिनट रुक जाओ, अबे उठा ले, मेरी खुद की इन्वेंट्री भी फूल है क्या? ओह ठीक है रुको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालने दो। कंपोनेंट्स, स्क्रैप मेटल, रबर तो नहीं डाल सकता हूँ, गिटार मिला ये शायद से डेकोरेशन के काम आएगा, क्योंकि मैंने पानी के अंदर कुछ चीज़ डाली थी, ये रही ठीक है चलो। अबे 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 भाई मेरी राफ्ट उल्टी हो गई सीधा। इसके अंदर और कुछ डाल सकता हूँ मैं? रबर थोड़ा सा और, रबर नहीं डाल पाऊंगा ना, 10 का स्लॉट है। ओह वुड डाल, वुड भी नहीं डाल पाऊंगा, वुड मेरा थोड़ा सा नीचे गिर गया यार, ये रहा। ठीक है काम करते गाइस, ठीक है। अरे अरे संभल के मेरी बोट, रात वैसे भी होने वाली है। ठीक है सो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस आइलैंड का ना एक चक्कर मार लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एक एल्गी दिखाई दे रही है रेड वाली, जिससे मैं खुद को हील कर सकता हूँ। रुको इसको उठा लेता हूँ। वाओ वहाँ पे क्या है, एक शिप ब्रेक ड्यूड, सच में, बट रात हो रही है भाई, रात में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहां से जितना हो सके उतना सामान लेके आ पाऊँ। मुझे एक शिप डूबी हुई दिख रही है स्मॉल आइलैंड पे गाइस, कछुए भी है, टर्टल्स को अभी मारने का मन तो नहीं है। ये देखो एक शिप टूटी पड़ी है यहाँ पे, रात भी हो चुकी है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे, पानी के अंदर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, काफी ज्यादा अंधेरा है। यहाँ पे काफी सारी अच्छी वाली लूट मिल सकती है पर कुछ दिखाई दे तो, स्क्रैप मेटल ही दिख रहा है अभी तो। इसके अंदर जाने का भाई रास्ता भी नहीं दिख रहा, एक काम करता हूँ मैं सवेरे यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ से फटाफट से निकल लेता हूँ अपने घर पे। ओए मैं ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ जल्दी से, कमॉन रात होती है भाई, तैरने की एबिलिटी मेरी थोड़ी सी डाउन हो जाती है क्या? ठीक है चलो मेरा घर कहाँ पे है वो रहा, चलो फटाफट से घर पे चलते हैं और सीधा फाइंड समथिंग टू ईट भाई, सीधा भी मैं सोएगा उसके बाद उठने के बाद ही खाऊंगा मैं, अभी तो कुछ खा नहीं रहा। वैसे मेरे पास फिश वगैरह पड़ी है, शार्क का मीट पड़ा है गाइज, वो जाके हम लोग भाई कुक करते हैं उसके बाद वो खा लेंगे, अभी फिलहाल के लिए फटाफट से घर पे चलते हैं और सोते सबसे पहले। चलो गाइज घर पे तो हम लोग आ चुके हैं, इसके अंदर का कितना सामान मैं ले सकता हूँ, चेस्ट के अंदर का थोड़ा सा सामान मैं अपने पास लेके अपने घर के अंदर स्टोर करके रख देता हूँ। ठीक है वैसे रात होने में थोड़ा सा टाइम है, तो एक काम करता हूँ मैं सामान को शिफ्ट करने का काम ही कर लेता हूँ। और को भाई नाइट क्लब वाला लोग वैसे काफ़ी कूल लग रहा है, ये गिटार क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या मैं गिटार ऐसा, ओ एक मिनट हाँ, इस गिटार को नाइट क्लब के लोगों के ऊपर लगा दूंगा मैं, एकदम कूल लगेगा।
ठीक है, चेस्ट में अगर थोड़ी सी जगह है तो ये सामान यहाँ पे डाल दूँ मैं। ओके हाँ, यहाँ पे तो काफ़ी सारी जगह है, रुको ये सारा सामान ट्रांसफ़र कर लेते फटाफट से अपने बोर्ड के अंदर से, क्योंकि सवेरे होते ही मुझे यहाँ पे निकल लेना है वापस से सामान इकट्ठा करने के लिए। मुझे थोड़े और कंपोनेंट चाहिए होंगे, मैं आज जो ना गाइस यहाँ पे वो चीज़ अनलॉक भी करूँगा, एयर फिल्टर टैंक वगैरह जो है, एंड उसको क्राफ्ट करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। वो मीट गाइस रुको, मुझे कुक करने के लिए डालना है। वो मुझे बुलेट्स भी मिले, मैं गाइस गन्स को भी चला के देख लेता हूँ। गाइस मेरे पास जो गन है ना उसको भी चला के देखता हूँ। मैं वो ट्रेडर से शायद से एक दो एपिसोड पहले गन खरीद के लेके आया था, मैं उसको भी चला के देखूंगा। क्या मैं सो सकता हूँ अभी के लिए? शायद से नहीं सो पाऊंगा, ना 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 सो नहीं सकता अभी, तो मैं सामान ही ट्रांसफर कर लेता हूँ। रुको बुलेट्स मेरे पास ही रहने देता हूँ मैं, और फिश को कुक करने के लिए डालता हूँ। रुको गाइस मैं यहाँ पे टेक फूड, चलो एकदम मछली मस्त भी की कुक करने के लिए डाल दी है। घर में लाइट का भी जुगाड़ करना है, जो कि करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी। ये गन के टूटे फूटे पार्ट्स हैं, ये स्क्रैप मेटल्स हैं, ये मीट है, मीट ले लेता हूँ मेरे को। अरे यार वो हाँ ड्रेस नहीं चाहिए। चलो अभी आखिरी एक और राउंड, फिर हमारे पास जितना भी सामान था वो सारा चेस्ट में भर के हो जाएगा, फिर अगली सवेरे। ओ रात हो गई गाइस, रात हो चुकी है। ओके चलो, फ्लेयर गन भी मिली। वैसे मुझे, मैं उस शिप ब्रेक को ना एक और बार देखने के लिए जाऊंगा। वैसे भी मुझे जो ना गाइस यहाँ पे कंपोनेंट की जरूरत है, फ्रीजिंग स्टेन ईयर फायर। ओ भाई साहब ठंड लगने लग गया रात में। ठीक है रुको, भाई पूरे चेस्ट भरे पड़े। मीट यहाँ पे डाल दो, ये यहाँ पे डाल देते, गन ले लेता हूँ मैं पहले। ठीक है चलो अभी चल के सबसे पहले तो सो जाता हूँ मैं। ठीक है सवेरे होते ही मुझे पानी पीना और खाना खाना है। यहाँ पे मछली जो थी वो कुक हो चुकी होगी, ये लो ये कुक्ड मछली को खा जाते मस्त बे की। पानी यहाँ से पी लेंगे, ऑल राइट भाई फुल पानी पीना है मुझे। एंड रुक जाओ गाइस, वो बकेट कहाँ पे? ये रहा बकेट। ठीक है बकेट ना चेक करने से पहले मैं गन चेक कर लूँ। नहीं यार ये गन में वो बुलेट्स नहीं गई जा रही है, देख रहे हो जीरो दिख रही है, एक ही बुलेट दिख रही है जो इसमें पहले से लोडेड है। यार मुझे शायद से पिस्टल बनानी पड़ सकती है, मुझे रिपेयर स्टेशन वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग वो पिस्टल बना पाए या रिपेयर कर पाए। अबे नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो जब तक ऐसे हमारा फूड कुक हो रहा है तब तक हम लोग पानी भर लेते हैं। ठीक है एंड वापस से हम लोग कंपोनेंट जो है ना जो फार्म करने के लिए जाएंगे। थोड़ा दूर भी मुझे जाना है, बट उसके लिए ना मैं अच्छी सी एक राफ्ट बनाना चाहता हूँ पहले। चलो मैं यहाँ पे फटाफट से पानी भर देता हूँ ताकि हमारे पास पीने का पानी कल के लिए अवेलेबल हो। एंड तब तक जो हम लोग ने शार्क का मीट डाला हुआ है वो भी कुक हो जाएगा। और शार्क मीट कुक हो चुका है, ठीक है रुको इसको खा जाता हूँ मैं, इससे मेरी हेल्थ भी बढ़ती है क्या, काफ़ी बढ़िया। और रुक जाओ कि यहाँ पे मीट पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा रॉ मीट चाहिए होगा जो मैं कुक करने के लिए डाल सकूं। ओ मटन, अबे मैंने गलती से कच्चा मीट खा लिया। चलो मैंने गाइस यहाँ पे लेग पीस, चिकन लेग पीस जो है ना गाइस वो कुक करने के लिए डाल दिया है। अभी वापस से गाइस उसी शिप ब्रेक पे चलते और देखते वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है। ठीक है मुझे 15 भी कंपोनेंट मिल जाता है ना तो भी मैं खुश हो जाऊँगा। चलो इतना इनफ रहेगा यहाँ पे पानी, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, हैमर को यहाँ पे लेते हैं एंड चलते वापस से म्यूटेंट आइलैंड के पास जहाँ पे वो शिप थी। हो गाइस एक और पेड़ हमारे आइलैंड पे वैसे उग चुका है, ये इमरजेंसी के लिए यूज करेंगे हम लोग वुड। चलो चलते उस शिप ब्रेक के पास। A few moments later. Okay, हम लोग म्यूटेंट आइलैंड पे तो आ चुके हैं और जो शिप ब्रेक है वो यही पे नीचे। मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्टल्स को भी मार के देखता हूँ गाइस एक बार, मुझे देखना टर्टल्स को मारने से क्या मिलेगा। क्या मैं इसको मार भी सकता हूँ या नहीं, मरने का नाम ही नहीं ले रहा, वो मर गया। एक रॉ मीट के लिए मैं इतने क्यूट से टर्टल को मारूंगा भाई, मुझे बस एक रॉ मीट मिला है उससे, मैं नहीं मार रहा भाई उस क्यूट से टर्टल को एक रॉ मीट के लिए। चलो चलते हैं भाई शिप ब्रेक के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सामान मिल सकता है मे बी। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। जितना हम लोग डीप जाते हैं ना उतना ज़्यादा अंधेरा बढ़ जाता है गाइस, आपने ये नोटिस करा है? वो इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई। शिप पे कहीं पे छेद वगैरह बना है क्या जिससे हम लोग अंदर जा सके? ओ नहीं यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। अरे ओए मैं अटक गया था, लग गया मैं अटक गया। अरे गाइस मैं इस छेद में अटक गया भाई, व्हाट सच में
कैसे? मैं छेद में अटक गया हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे भाई लग गया, कैसे निकलूं मैं? कमॉन 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 यार, कुछ तो कर लो। भाई मैं अटक गया इस छेद में। भाई नहीं नहीं यार, अब मरा मैं, मरा भाई, मर गया भाई मैं। फर्स्ट डेथ गाइस, मेरी फर्स्ट डेथ। भाई मैं अटक गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। भाई ऐसे छेद में घुसने की क्या चुल मची थी मुझे भी। अरे यार ऐसी डेथ भाई। रैंडम रिस्पॉन्स, सिंपल बेड। अरे मैंने बेड ही नहीं बनाया है, मैंने बेड ही नहीं बनाया है। मुझे मेरी पेटी तो मिलेगी ना, मुझे पेटी तो मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से मेरी। ओके स्टैमिना की बैंड बजी पड़ी है, वो यहाँ पे मिली। ओ ये रही भाई मेरी पेटी। ठीक है मेरी चीज़ें, मेरे पास चीज़ें ही नहीं थी पहली बात तो। मुझे अपनी चीज़ें वापस से मिलेगी क्या? मेरे को देखता हूँ भाई, ये छेद में जाकर अटक गया था मैं, बताओ भाई। हाँ टेक ऑल, हाँ मुझे अपना सामान तो मिल गया सारा। भाई क्या गंदी मौत मरा यार मैं, बहुत गंदी मौत मरा। बट उस रीजन से मेरा स्टैमिना वगैरह जो है ना गाइस, वो पूरा डाउन हो चुका है। मुझे घर पे जाके वापस से खाना वगैरह खाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे मेरा स्टैमिना बढ़ेगा। चलो यहाँ पे कंपोनेंट तो मिलने नहीं वाले हैं। और कौन सी जगह है, उस शिप पे जा सकता हूँ मैं। वो शिप जो थी ना गाइस टूटी हुई, वहाँ पे जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। चलो घर पे चल के ना फटाफट से मैं यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ और अपना स्टैमिना जो ना गाइस वो बढ़ा लेता हूँ। ठीक है उसके बाद वो जो टूटी फूटी शिप है ना, उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। मुझे बस कंपोनेंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कंपोनेंट्स एक बार मिल जाए ना तो मैं इजीली यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जो ना गाइस वो अनलॉक कर सकता हूँ। और एक और बात, अगर आपको कुछ आइडिया होगा कि ज़्यादा कंपोनेंट्स कहाँ से मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना आपके सजेशंस की, मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलो घर पे मैंने वैसे गाइस चिकन लेग पीस जो है वो डाला हुआ है कुक करने के लिए, उसको खा लेता हूँ। और पानी तो अपने पास पड़ा हुआ ही है, सो उससे जो ना गाइस अपना फूड एंड वाटर बार एक बार रिस्टोर हो जाए, सो मेरा स्टैमिना जो है गाइस वो भी नॉर्मल हो जाएगा। लग तो ऐसे रहा है कुछ। ओ ये एक काम कर लेता हूँ मैं, इससे और इससे ये बना लेता हूँ और इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है इससे हमारा स्टैमिना रिकवरी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी पीता हूँ, पानी फुल हो चुका है, इसको खा लेंगे। ठीक है इससे फूड भी फुल हो चुका है। ओ हेल्थ पे डिपेंड करता है क्या मेरा स्टैमिना? ओके एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास पड़ी हुई है हीलिंग, ये रही। ठीक है हेल्थ पे डिपेंड करता है कि हमारा स्टैमिना जो है गाइस वो कितना जाएगा। ओके रुक जाओ, खाना भी खा लेता हूँ मैं थोड़ा सा। रुको देखो मेरा स्टैमिना भी जो है ना हेल्थ के साथ साथ हल्लो हल्लो करके बढ़ते जा रहा है भाई। ठीक है धीरे धीरे करके भाई मेरा स्टैमिना भी बढ़ते जा रहा है। चलो मैं यहाँ से मीट खाता हूँ, उसके बाद निकलते कंपोनेंट ढूंढने के लिए। भाई यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बोली है वो तो मैं अनलॉक करके रहूँगा। एयर टैंक और ये बैकपैक अनलॉक कर लूँ क्या अभी फिलहाल के लिए गाइस? एक मिनट रुक जाओ, एयर टैंक और बैकपैक अनलॉक कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए। मुझे रबर चाहिए, स्क्रैप मेटल चाहिए, कंपोनेंट्स जो 10 मिले हैं उससे हो जाएगा ये, और कुछ नहीं खास चाहिए ना, बस इतना ही चाहिए था शायद से। रुको एयर टैंक, मेटल इनगट चाहिए। ओ मेटल इनगट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रुको मेटल इनगट यहाँ पे पिघलाने के लिए डाल सकता हूँ मैं वापस से। रुक जाओ मेटल इनगट दो चाहिए बस। ठीक है ये यहाँ पे पिघल रहा है एंड हाँ ये रिसर्च कर लेता हूँ मैं। बैकपैक के लिए शार्क की स्किन भी मेरे पास है, शार्क स्किन, मार्लिन फिश स्किन और क्लोथ। मार्लिन की फिश की स्किन भी है, मुझे कल नहीं मिली थी, कल मैं मार्लिन को भी मार के आया था। क्लोथ्स भी चाहिए थोड़े से। मार्लिन की स्किन कहाँ पे है? जाओ मैं बैकपैक भी अनलॉक कर लेता हूँ। ये रहे क्लोथ्स, ये रहा रबर, मार्लिन स्किन और शार्क की स्किन, ये रही। ओके रबर ठीक है, और क्या चाहिए? और बस एक मार्लिन स्किन चाहिए। रुक जाओ गाइस, मार्लिन की स्किन जो है गाइस वो कहीं पे तो पड़ी हुई होगी मेरे हिसाब से। रुको मैं कल तो दो मार्लिन को मार के आया था पता है आपको, तो वहां से मुझे उसकी स्किन तो मिली थी मैंने कहा पे। ओ मुझे मेरे पास चार कंपोनेंट और पड़े हुए हैं। नाइस मार्लिन स्किन, ये रही मार्लिन स्किन। चलो चलो आ जाओ गाइस, बैकपैक भी अनलॉक कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया बैकपैक अनलॉक, अभी मुझे ये देखने दो कि पहले बनेंगे कैसे बैकपैक्स वगैरह। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं बन रहे, इसमें बैकपैक। अरे इजी भाई, इजी क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं इसके लिए, मुझे बस एक और शार्क को मारना है। नाइस यार मैं बैकपैक क्राफ्ट कर लेता हूँ
एंड वो टैंक का क्या सीन है भाई? टैंक के लिए कंपोनेंट चाहिए होगा और रबर चाहिए होगा, टैंक भी क्राफ्ट कर सकता हूँ गाइस। ये दो चीजें अभी मैं क्राफ्ट करता हूँ, और ये दो नहीं एक ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शार्क नहीं है, शार्क स्किन नहीं। मुझे जाके भाई एक मिनट रुक जाओ, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ शिप ब्रेक के पास, वहां पे एक शार्क थी, हैमरेड है बट है तो शार्क गाइज, मैं उसको मार लेता हूँ ना, बट सबसे पहले मैं एयर टैंक बना लेता हूँ। चलो गाइज मैंने एक एयर टैंक बना लिया है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अभी शार्क हंटिंग होगी गाइज खतरनाक वाली, अभी होगी खतरनाक वाली शार्क हंटिंग भाई, बस देखते जाओ गाइज। ये ले ले भाई, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको हम लोग ऐसे पहन सकते हैं क्या? हाँ भाई मैंने पहन लिया है गाइज, ठीक है ये देखो मैंने पेन लिया है यहाँ पे स्मॉल एयर टैंक, इसकी मदद से भी हम लोग जो है ना कि ज़्यादा टाइम तक सांस ले सकते हैं। रुको स्टैमिना फुल करने के लिए मीट खाने दो, यस मीट खा लिया, स्टैमिना थोड़ा सा बढ़ चुका है। मैं वो हर्बल पेस्ट होता है ना गाइस वो भी बना लेता हूँ गाइस, ठीक है। अबे यार मशरूम्स नहीं खाने थे, मशरूम की मदद से वो मुझे हर्बल पेस्ट जो है वो बनाना था, ये रहा ये वाला पेस्ट बना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है चलो लेट्स गो, आप भी चलते फटाफट से शार्क हंटिंग के लिए, लेट्स गो बॉयज। तो गाइज हम लोग अभी फुल टू रेडी हो चुके हैं, और मैंने जो है ना टैंक भी पहन रखा है, प्लस मैं स्टैमिना वाला पोशन जो है ना गाइज वो पी के शिप ब्रेक में उतरने वाला हूँ, वहाँ पे मेरा सामना होने वाला है गाइज एक खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली जो है ना गाइज एक हैमर हेड शार्क से। तो सबसे पहले तो मुझे उस हैमर हेड शार्क को मारना पड़ेगा। शिप ब्रेक की बात करें तो वो मुझे इस डायरेक्शन में कहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। अरे यार यहाँ पे तो वो शॉटगन वाले जो हमारे लोग नहीं थे आइलैंड पे, जहाँ पे मैं गलती से गया था और मुझे पट्टे से हेडशॉट मिला था शॉटगन से, वो आइलैंड है गाइस, उसी के नज़दीक मुझे शिपब्रेक मिलने वाली है, ठीक है। चलो मैं फुल स्पीड में शिपब्रेक की तरफ जो है ना गाइस जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि हैमर हेड को हम लोग यहाँ पे मार पाते कि नहीं। बाकी पानी के अंदर मैं क्रॉसबो जो है वो यूज नहीं कर सकता हूँ, सो मुझे क्लोज रेंज में पीछे से जाके हैमर हेड को दप्पा देना पड़ेगा, बोले तो मारना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं है वैसे। ए वो क्या चीज है? रबर डस्क आइलैंड, बट ये रेड रेड क्यों दिखाई दे रहा है इतना? क्या वहां पे कोई खतरा है क्या? काफी ज्यादा रेड रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम लोग भाई शिप ब्रेक पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हैमर हेड पक्का 100% हम लोग को मिलने वाली है गाइस, ठीक है, पक्का मिलेगी मिलेगी हैमर हेड। रुको शिप ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है, ओ साइड में शिप ब्रेक, रुको 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 गाइस मैं थोड़ा गलत आ गया हूँ, यहाँ पे कहीं पे शिप ब्रेक है, वो तो यहाँ पे शार्क क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये रहा शिप ब्रेक गाइस मेरे नीचे एग्जैक्टली, बट यहाँ पे कोई शार्क नहीं है, मैं इसको कंज्यूम करके जा रहा हूँ स्टैमिना वाले उस पोशन को। हैमर हेड दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। ऑलराइट हैमर हेड से बच के थोड़ा थोड़ा बच के रहना हैमर हेड से। इसको मारने की पूरी ट्राई कर रहा हूं गाइस, मैं हैमर हेड को मारने की फुल ट्राई कर रहा हूं, मर गई। ओ लेट्स गो बॉयज, शार्क हां शार्क स्किन, हां यही चाहिए थी यही चाहिए थी यही चाहिए थी यही चाहिए थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या चाहिए। ए गाइस ओ पहले मेरा ऑक्सीजन टैंक खत्म होगा उसके बाद जाके मेरा ऑक्सीजन खत्म होगा, ऐसा सीन है क्या? ओके समझ गया, मतलब मुझे ऑक्सीजन टैंक जो है गाइस वो फिल कर करके आना पड़ेगा, ऐसा गाइस यहाँ पे सीन है। चलो अच्छी बात है, मतलब मैं काफी ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर जो है गाइस रह सकता हूँ, एक बार मेरा ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो फिर गेम ओवर। ये क्या है? एक्सप्लोजिव, वो 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 ये क्या मिल रहा है गाइस यहाँ पे? मुझे काफी सारी खतरनाक चीजें मिल रही है, एक्सप्लोजिव वगैरह गाइस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, और क्या क्या चीजें, रुको फटाफट से देख लेता हूँ। मैं इन छेदों में नहीं जाने वाला हूँ, पिछली बार गया था बहुत ज्यादा गंदी तरीके से गाइस, मैं वहां पे अटक गया था और मेरी पेटी भी बन गई थी, मैं इस बार तो वहां पे जाना नहीं चाहूंगा। ओ थोड़े से गन के पार्ट्स वगैरह जो है ना गाइस वो मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन टैंक की बात करें तो वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट यहाँ पे ये ऑक्सीजन टैंक बनाना जो है ना गाइस काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन हमारा साबित हो रहा है, बट ये थोड़े टाइम में गाइस खत्म होने वाला है। ऑक्सीजन टैंक जो है गाइस वो थोड़े टाइम में यहाँ पे खल्लास टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है। मैं जितना सामान यहाँ से उठा सकता हूँ उठा के सीधा ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। वैसे यहाँ पे स्क्रैप मेटल जो है गाइस वो काफी ज्यादा ही है, ये देखो भाई स्क्रैप मेटल की तो कमी नहीं है यार, भर भर के स्क्रैप मेटल है इसमें। चेक ऑल नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे ऊपर जाके ना बोट में भाई चीजें रख के आनी पड़ेगी। मेरा ऑक्सीजन टैंक गया गाइस, मेरा ऑक्सीजन टैंक गया, मुझे ऑक्सीजन टैंक रिफिल करने वाला जो गाइस स्टेशन है ना वो बनाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जल्दी। मैं वो अगले एपिसोड में बनाने की गाइस पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक जो है ना गाइस वो कुछ ज़्यादा ही काम आ रहा है हमारे, जैसे कि आपने देखा ही होगा। ये क्या है? राइफल एमो है, राइफल तो नहीं है बाबा मेरे पास।
ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, बट मेरा जितना ऑक्सीजन है क्या मैं उतने ऑक्सीजन में नीचे पहुँच के चीज़ें लेके आ पाऊँगा? आई डाउट। मैं एक टाइम पे बस एक ही चीज़ लेके आ सकता हूँ नीचे से, मेरे पास जितना ऑक्सीजन है उस हिसाब से। तो ठीक है मैंने यहाँ पे कोई पे एक चीज़ देखी थी, कहाँ पे गई? गाइस मैंने अभी जस्ट ये रहा, मिल गया। नियॉन लाइट वाले भाई ये जो चीज़ें थी ना गाइस वो देखी थी। ठीक है मुझे ऊपर भी जाना पड़ेगा, नीचे आने में जितना ऑक्सीजन लगा है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन तो ऊपर जाने में लगेगा भाई। ऊपर पहुँच नहीं पाऊँगा ऑक्सीजन खत्म होने से पहले, स्टैमिना भी मेरा ख़त्म है। अरे यार वो पोषण जो था वो भी गाइस ख़त्म हो चुका है, उसकी भी लिमिट होती है गाइस थोड़ी सी। ठीक है मेरे इन्वेंट्री में रुक जावा गाइस, एक काम करता हूँ, मेरी राफ्ट ये रही ना, मैं राफ्ट के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ें डाल देता हूँ। मुझे कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं, कुछ नियॉन गेमर वाले जो कि मैंने घर पे लगा के रखा है पहले ही, उसका भी एक वापस से सेट मिल चुका है, अच्छी बात है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे ओर्स भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे, गाड़ियाँ भी है, 3 शिप रह गए गाइस यहाँ पे। यार लॉटरी लग चुकी है अपनी तो, बट वही है कि हमारे पास ऑक्सीजन टैंक नहीं है ना गाइस, ऑक्सीजन टैंक नहीं है, सो काफ़ी ज़्यादा हल्लो हल्लू करके गाइस ये सारा सामान मुझे उठाना पड़ेगा। नीचे का तो मैंने भाई सारा सामान उठा ही लिया है, वहाँ पे शायद से कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं एक बार वहाँ पे जाके ना नज़र जरूर मारूंगा। ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। गाइस ये ऑक्सीजन का ही गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा जो ना गाइस यहाँ पे सीन है। मैं एक टाइम पे बस एक या दो ही चीज़ें लेके आ पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा भाई चीज़ें मैं लेके आ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन जो ना गाइस वो दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। अब मैंने वहाँ से रबर उठा लिया, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ये बस स्क्रैप है ये उठा लेता हूँ मैं, और नीचे भी थोड़ा सा स्क्रैप दिख रहा है मुझे वो भी उठा लेता हूँ। रुको पहले जो ज़्यादा डिप में चीज़ें हैं ना उनको मैं गाइस यहाँ पे उठा लेता हूँ, ज़्यादा डिप में जो चीज़ें जो स्क्रैप वगैरह एकदम गहरे समंदर में। ओ ये गोल्ड ओर है क्या भाई? यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है गाइस। एक काम कर लूँ क्या मैं जो ना गाइस पहले मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं घर पे चल लूँ और अगले एपिसोड में ना एयर जो फिलिंग टैंक है ना गाइस वो हम लोग बना लेते हैं। उसको अनलॉक करने के लिए क्या क्या चाहिए था? अरे यार भाई ये भाई मेरी बोट है ना, ये एक ही मिला है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं गाड़ी एक नीचे देखी थी उसमें से निकाल के लाता हूँ, रुको 2 गाड़ियाँ हैं। ठीक है गाइस रुको इन 2 गाड़ियों में से मैं सामान निकाल के लाता हूँ क्योंकि नीचे ओर्स वगैरह और जो तोड़ने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ये मिल गया मुझे, कंपोनेंट मिल गए, कंपोनेंट की भाई यहाँ पे ज़रूरत थी। कम ऑन नाइस, मैं दूसरी गाड़ी को लूट नहीं सकता हूँ क्योंकि उतना ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है, मुझे ऊपर जाके वापस से ऑक्सीजन फिल करके आना पड़ेगा। तो जितने गहराई में गाइस हम लोग जाएंगे ये ऑक्सीजन जो है ना उतनी दिक्कत देगा। सो अगले एपिसोड में मैं वो बना ही लेता हूँ गाइस, ओके, क्योंकि अभी ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। बट मैं ये एपिसोड एंड करने से पहले जो नीचे गाड़ी पड़ी हुई है उसको ज़रूर से लूट के आना चाहूँगा क्योंकि इसमें मुझे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसकी मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। ठीक है कंपोनेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है कम ऑन ओके। रबर भाई काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे करके गाइस ये गाड़ी टूट रही है, कंपोनेंट एक मिल चुका है, अगर 2 कंपोनेंट मिल भी जाते ना तो मज़ा आ जाएगा। 1-2 और कंपोनेंट्स नहीं यार, बस एक ही कंपोनेंट मिल रहा है, एक गाड़ी में से एक ही कंपोनेंट मिल रहा है और मेरा ऑक्सीजन जो है गाइस वो भी खत्म हो चुका है। चलो यहाँ पे जितनी लूट करनी थी गाइस मैंने कर ली है, अभी आगे की लूट जो है ना गाइस वो हम लोग करेंगे सीधा हमारा ऑक्सीजन टैंक फिलअप बनाने के बाद, और ऑक्सीजन टैंक जो है ना गाइस वो फुल करके आएंगे उसके बाद सारे के सारे नीचे के शिपवरेक है ना गाइस वो हम लोग लूट के चले जाएंगे गाइस। ठीक है बस मुझे शायद से लग रहा है कि कंपोनेंट्स की कमी अगले एपिसोड में पड़ सकते हैं हम लोग को, सो उसका जुगाड़ वापस से करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो अभी के लिए काम कर लेते हैं, आज का ये हमारा जो एपिसोड है ना ये हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज तो भाई शार्क से लड़ाई कर ली यार तुम्हारे भाई ने, मैंने हैमर हेड को भी मारा है, नॉर्मल शार्क को भी मारा है, उसके बाद गाइज हम लोग ने काफ़ी सारी जो है ना गाइज यहाँ पे लूट भी करने का काम करा है। यहाँ पे क्या चीज़ है? फ्रिज वगैरह है क्या? मैंशन है ना ये? वो मैंशन तो हम लोग लूट चुके हैं यार पूरा, मैंशन पे खास कुछ बचा ही नहीं है। गाड़ी है क्या वो? एक मिनट, क्या वो गाड़ी? ओ ओर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे और कुछ नहीं है। गाड़ी दिखी ना तो गाड़ी सबसे पहले लूट लेनी है गाइज मुझे क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ए गाइज एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ जैसे कि आप देख रहे हो कंटेनर्स पड़े हुए और कंटेनर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान होता है। यस ओह मुझे भाई एक पैंट और एक शर्ट मिल गया है। यहाँ पे क्या? गैसोलिन और स्क्रैप मेटल है। हाँ गैसोलिन मिलेगा, गैसोलिन मिलेगा यहाँ पे। ओके गैसोलिन और स्क्रैप मेटल है,
मुझे अगर कहीं पे गाड़ी दिखी ना तो उसको भाई जरूर से लूटने का काम करना है, क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। चलो फिर एक काम करते हैं, ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और आज का एपिसोड कैसे लगा वो भी जरूर से बता देना। आज हम लोग ने वैसे काफी सारी चीजें भी बनाई शार्क्स को शार्क से लड़ने के साथ साथ, हम लोग ने यहाँ पे ओर्स भी बनाने के लिए फर्नेस बनाया, उसके बाद हम लोग ने ऑक्सीजन टैंक बनाया और काफी सारी अलग अलग चीजें बनाई। बाकी और ज्यादा जो ना गाइस प्रोग्रेस अगले एपिसोड में करेंगे सीधा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook.